आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर के कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इस चैप्टर में दो पार्ट्स है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने पार्ट वन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, पार्ट वन ए एंड पार्ट वन बी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एक्सरसाइज सॉल्यूशन 6। आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ए, द एंशियंट मैरिनर स्टॉप्ड वन ऑफ द थ्री वेडिंग गेस्ट बिकॉज। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है एंशियंट मैरिनर ने शादी में जाने वाले तीन में से एक गेस्ट को स्टॉप किया था, क्यों? तो इसका आंसर होगा 3, ही वॉन्टेड हिम टू लिसन टू हिज स्टोरी। एंशियंट मैरिनर ने तीन में से एक वेडिंग गेस्ट को इसलिए रोका था क्योंकि वो उसकी स्टोरी उसको सुनाना चाहता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, द वेडिंग गेस्ट रिमार्क्ड दैट ही वॉज नेक्स्ट ऑफ किन विच मीन्स दैट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है वेडिंग गेस्ट खुद को किन के बहुत ही करीब बता रहा है, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा 1, ही वॉज अ क्लोज रिलेशन ऑफ द ब्राइड ग्रूम। तो इसका मतलब है वेडिंग गेस्ट ब्राइड ग्रूम का बहुत ही करीब रिश्तेदार था। नेक्स्ट है सी, ही कैन नॉट चूज बट हेयर मीन्स। उसे चूज करने के लिए कुछ नहीं था बट सुनना था, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा 2, द वेडिंग गेस्ट वॉज फोर्स्ड टू हेयर द स्टोरी ऑफ द मैरिनर। वेडिंग गेस्ट को फोर्स किया जा रहा था ताकि वो मैरिनर का स्टोरी सुने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है डी, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही। दिस लाइन टेल्स अस दैट द शिप डैश। ये जो लाइन है द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही, इस लाइन से हमें क्या पता चलता है? तो इसका आंसर होगा 4, वॉज मूविंग टूवर्ड्स द साउथ। इससे हमें ये पता चलता है कि शिप साउथ की ओर चल रहा है। नेक्स्ट है ई, द वेडिंग गेस्ट बीट हिज ब्रेस्ट बिकॉज। वेडिंग गेस्ट बार बार अपनी छाती पीट रहा था, ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा 3, द साउंड ऑफ द बैसून मीन दैट द ब्राइड हैड अराइव्ड and the wedding ceremony was about to begin and he could not attend it। बैसून के साउंड से वेडिंग गेस्ट को ये पता चल रहा था कि ब्राइड पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में शादी स्टार्ट होने वाला है और वो इसको अटेंड नहीं कर पा रहा है। यह बैसून का मतलब है शादी में बजने वाले गाने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है एफ, द स्टॉर्म ब्लास्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज बीइंग टेरेनियस बिकॉज। तो इस क्वेश्चन में स्टॉर्म ब्लास्ट को टेरानियस बोलकर डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा क्यों? यहाँ टेरानियस का मतलब है क्रूअल या बहुत ही ज़्यादा अत्याचारपूर्ण। तो इसका आंसर होगा 2, इट टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द शिप। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस स्टॉर्म ने उस शिप पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट है जी, द सेलर फील डिप्रेस्ड ऑन रीचिंग द लैंड ऑफ मिस्ट एंड स्नो बिकॉज। सेलर्स बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे जब वो मिस्ट और स्नो के लैंड में पहुँच चुके थे, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा 3, दे वेयर सराउंडेड बाई आइसबर्ग एंड देयर सीम टू बी नो साइन ऑफ लाइफ। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें चारों तरफ से आइसबर्ग्स ने घेर के रखा हुआ था और उन्हें दूर दूर तक कोई लाइफ नज़र नहीं आ रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है एच, द सेलर्स वेयर हैप्पी टू सी द एल्बेट्रॉस बिकॉज। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है सेलर्स एल्बेट्रॉस को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर होगा 2, इट स्प्लिट द आइसबर्ग्स अराउंड द शिप एंड हेल्प द शिप मूव फॉरवर्ड। क्योंकि शिप को घिरे हुए जो आइसबर्ग थे उसे एल्बेट्रॉस ने तोड़ दिया था और शिप को आगे मूव करने में उसने बहुत हेल्प की। नेक्स्ट है आई, द टू थिंग्स दैट हैपन आफ्टर द अराइवल ऑफ द एल्बेट्रॉस वेयर। एल्बेट्रॉस के पहुंचने के बाद दो चीज़ कौन कौन सी हुई? तो इसका आंसर होगा 2, द आइसबर्ग्स स्प्लिट एंड अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज स्टार्टेड ब्लोइंग। एल्बेट्रॉस के आने के बाद जो आइसबर्ग है वो टूट चुके थे
और बहुत ही तेजी से हवा चलने लगी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जे, इट पर्स्ड फॉर वेस्पर्स नाइन मीन्स। ये जो लाइन है इट पर्स्ड फॉर वेस्पर्स नाइन, इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा टू, द एल्बेट्रॉस वुड अपियर एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। तो इसका मतलब यही है कि एल्बेट्रॉस डेली एक फिक्स टाइम पर दिखाई देता है। तो नेक्स्ट है के, गॉड सेव द एंशियंट मैरिनर फ्रॉम द फीन्स दैट प्लैग यू दी दस, व्हाई लुक्स दो सो मीन्स। ये जो लाइन है गॉड सेव द एंशियंट मैरिनर फ्रॉम द फीन्स दैट प्लैग यू दी दस व्हाई लुक्स दो सो, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा टू, द वेडिंग गेस्ट वॉन्टेड टू नो वाई द मैरिनर वॉज लुकिंग सो टॉर्मेंटेड। वेडिंग गेस्ट यही जानना चाहता था कि मैरिनर इतना ज़्यादा टॉर्मेंटेड क्यों दिख रहा है। यह टॉर्मेंटेड का मतलब है इन पेन या बहुत ही ज़्यादा दर्द में होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ए, हाउ डिड द एंशियंट मैरिनर स्टॉप द वेडिंग गेस्ट। एंशियंट मैरिनर ने किस तरह से वेडिंग गेस्ट को रोका? तो इसका आंसर होगा द एंशियंट मैरिनर कैप्टिवेटेड द वेडिंग गेस्ट विथ हिज शाइनिंग आइज एंड दस स्टॉप्ड हिम। तो इसका मतलब है एंशियंट मैरिनर ने अपनी चमकती हुई आंखों से वेडिंग गेस्ट को मोहित कर लिया, उसे रोक दिया। यहाँ कैप्टिवेटेड का मतलब है मोहित करना या अट्रैक्ट करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बी, वॉज द वेडिंग गेस्ट हैप्पी टू बी स्टॉप्ड। क्या वेडिंग गेस्ट बहुत ही खुश था स्टॉप होने से? गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके आंसर के लिए हमें रीजन देना होगा। तो इसका आंसर होगा द वेडिंग गेस्ट वॉज अनहैप्पी टू बी स्टॉप्ड। वेडिंग गेस्ट हैप्पी नहीं था स्टॉप होने से। ही वॉन्टेड टू अटेंड द वेडिंग एज ही वॉज अ फैमिली मेम्बर ऑफ द ब्राइड ग्रूम। वेडिंग गेस्ट उस वेडिंग को अटेंड करना चाहता था क्योंकि वेडिंग गेस्ट ब्राइड ग्रूम का फैमिली मेम्बर था। ही बीट हिज चेस्ट वेन ही हेयर द म्यूजिक ऑफ द बैसून एज द ब्राइड एंटर द हॉल फॉर द सेरेमनी। जब शादी के लिए ब्राइड हॉल में इंटर कर रही थी तब बैसून के म्यूजिक को सुनकर वो अपनी छाती पीटने लगा। दिस शोज दैट ही वॉज अनहैप्पी बींग स्टॉप बाय द एंशियंट मैरिनर। इससे हमें ये पता चलता है कि मैरिनर खुशी नहीं था स्टॉप होने से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है सी, डिस्क्राइब द एंशियंट मैरिनर। हमें एंशियंट मैरिनर को डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर होगा द एंशियंट मैरिनर वॉज एन ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग ग्रे बियर्ड। एंशियंट मैरिनर एक बूढ़ा आदमी है जिसका बहुत ही लंबा और ग्रे कलर की दाढ़ी है। ही हैड ब्राइट ग्लिटरिंग आइज। उसकी आंखें बहुत ही चमकती हुई और ब्राइट है। तो ये थे राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर के कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसके बाद वाले क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ जो है पार्ट 1B। और नीचे मुझे ऐसे कुछ कमेंट मिल रहे थे जिसमें लिखा था कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। तो शायद नोटिफिकेशन को लेकर कोई इशू हो, बट आप अपना नोटिफिकेशन बेल एक बार चेक कर ले। अगर वो इनेबल है तो मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिलेंगे जैसे ही मैं अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।